नवागढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेवरा के आश्रित गांव जुनवानी कला में रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब पर पीचिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें तालाब के चारों दिशाओं में पचरी बनाना है, लेकिन तालाब के पार एक दो ग्रामीणों ने पैरा रखकर कांटों से घेर दिया है। इससे तालाब आने जाने में लोगों को दिक्कतें आ रही है। यहां तक कि सरकारी स्कूल की जमीन पर भी दबंगों की नजर है। भवन के आधे हिस्से को बेर के कांटों से घेर कब्जा कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि ग्राम सरपंच के कहने के बावजूद कब्जाधारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। चारों तरफ तालाब पार में बेजा कब्जा हुआ है, कोई दो ठोक मकान बना है और कांटा लगा हुआ है, तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है तालाब में, तो पिचिंग कार्य करवाया जा रहा है। तो इसमें सरपंच को बोला कि पिचिंग कार्य करवा रहे हो, चारों तरफ क्लीन करो, तो इसका सरपंच मेरे को कोई मतलब नहीं हो, तुम्हारे गांव का मामला है करके एक लाइन से बोलता है, कार्य करवाऊंगा और हटवाऊंगा नहीं करके बोलता है। सर मामला ये है कि हमारे यहाँ तालाब पिचिंग का कार्य किया जा रहा है, उसमें गाँव वाले के द्वारा बोला गया कि जो बेजा कब्जा है पार में उसको सरपंच से बोले कि हटा दो ऐसे करके, तो सरपंच बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा, मेरे पहले पिचिंग होने दो ऐसे करके, तो गांव वाले बोला कि जब तक ये बेजा कब्जे नहीं हटाओगे तो जो बना रहे उसका कोई महत्व ही नहीं है सर, जो उसको हटाओगे तभी तो उसमें उपयोग करेंगे गांव वाले ऐसे करके, तो बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा, जो भी कुछ करना है कर लो ऐसे करके। किसके द्वारा बोले जाते हैं? सरपंच पति के द्वारा। क्या नाम है उसका? रेखालाल गिजदहरे। और वो बोल दिए हैं कि, और हमारे गांव वाले मना कर दिए काम करने के लिए कि गांव वाले मत जाओ ऐसे करके, तो अपने बेवरा या झीलगा से लेवर लाके अभी काम कर रहे हैं। मैं वे कब्जा के छोड़ाने के लिए सर, मैं जब छेका है उसको कई बार बोल चुका है इसको छोड़ दो, आपको लीहे में जमीन घर आवास में जो मिल चुका है उसमें बना कर जाओ, वो मानता नहीं है, सर का टोला हो तो हम छोड़ेंगे। तो इसकी जानकारी आप लोग अधिकारी उच्च अधिकारी को लोग को दिए हो क्या? अभी तो नहीं दिए हूँ सर, कल वो बार वैसे जानकारी तो कई बार बोल चुका सीओ की ओर सर, फिर अभी ऐसे लिखित में नहीं। टीसीपी 24 न्यूज़ के लिए बेमेतरा से हिमाचल शर्मा की रिपोर्ट।